आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां जाकर हरबीर सिंह सर्च करें। थैंक यू। नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल लर्न इजी विद हरबीर सिंह में। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको दो इम्पोर्टेंट बातें बताने वाला हूं। सबसे पहले क्वेश्चन होगा रिपीटेड क्वेश्चन, कि जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो कितने डिलीट हो सकते हैं, या क्या जो YouTube वाले बता रहे हैं 25 क्वेश्चन, क्या वो रियल में इतने ही क्वेश्चन डिलीट होंगे। इसके बाद होगा कि आप घर बैठे भी टीचर बन सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप ऑनलाइन पढ़ाकर अर्निंग कर सकते हैं अनअकैडमी पर पढ़ाकर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप देख सकते हैं अगर आप पढ़ाना चाहते हैं। तो दोस्तों, मुद्दे की बात पर आते हैं। तो क्वेश्चन है कि जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो कितने डिलीट होंगे। तो YouTube पे बार बार बताया जा रहा है 25 क्वेश्चन डिलीट होंगे, इसके बाद कुछ लोग 28 बता रहे हैं, कुछ लोग 15 बता रहे हैं, कुछ लोग 10 बता रहे हैं। तो इस बारे में जब हमारी डीएसएसबी मैम से मीटिंग थी तो हमारे साथियों ने ये मुद्दा वहां पे रखा कि मैम कितने क्वेश्चन डिलीट होंगे, जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो कितने डिलीट होंगे। तो इस बारे में उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सबसे पहले तो ये, अब अपनी तरफ से कोई 25 बनाए, 50 बनाए, 20 बनाए, वो उनकी मर्जी है। लेकिन मैं आपको क्लियर बता देता हूं कि अभी उन्होंने कुछ क्लियर नहीं बताया कि कितने क्वेश्चन डिलीट होंगे। इसके बाद बात होती है सेकंड पॉइंट की। बच्चों ने, जो हमारे साथी हैं, उन्होंने आरटीआई लगाई ये जानने के लिए कि क्या कितने क्वेश्चन डिलीट होंगे, मतलब 25 क्वेश्चन डिलीट होंगे या कितने क्वेश्चन डिलीट होंगे। तो अभी भी आरटीआई का कोई जवाब नहीं आया है। बहुत टाइम हो चुका है तो अभी भी आरटीआई का कोई जवाब नहीं आया है। इसका मतलब है कि डीएसएसबी कुछ बताना नहीं चाहता कि कितने क्वेश्चन वो डिलीट करेंगे। हालांकि इसके बाद कुछ साथियों ने पूछा कि बताओ कितने क्वेश्चन डिलीट होंगे। तो मैं अपना एक एक्सपेक्टेशन बता देता हूं, मुझे नहीं पता कि ऐसा रियल में होगा, लेकिन जो मुझे लग रहा है लगभग 10 से 12 क्वेश्चन डिलीट किए जा सकते हैं 28 वाली शिफ्ट में से, और जो शिफ्ट है उनमें तो इतने ज्यादा रिपीटेड है नहीं, और 30 वाले में से तो रिपीटेड होंगे नहीं क्योंकि फर्स्ट एग्जाम था, उसमें तो रिपीटेड क्वेश्चन कोई आया ही नहीं। भाई रिपीटेड का मतलब वो होता है कि जो दोहरा के क्वेश्चन आए, मतलब दूसरी बार क्वेश्चन आए। तो जो 30 वाली शिफ्ट थी उसमें तो पहला ही एग्जाम था, उसमें तो रिपीटेड है ही नहीं। हाँ, 13, 14 और 28 इनमें से मतलब डिलीट किए जा सकते हैं, और मुझे नहीं लगता कि ऐसे ज्यादा डिलीट होंगे। और डीएसएसबी किस एंगल से देखता है, हो सकता है कि सेम टू सेम क्वेश्चन देखे, तो सेम टू सेम क्वेश्चन की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, वो 28 वाले में भी लगभग 10-12 क्वेश्चन है। तो अभी देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपका टाइम वेस्ट किया है, या आपको लगता है कि मैंने कुछ आपको गलत इंफॉर्मेशन दी है, तो आप बेझिझक वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप घर बैठे टीचर भी बनना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं, और उस वीडियो को देख के अगर आपको अच्छी लगे तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस, गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।